एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं मायके में आ चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हो, ये है हमारा जौरा जो कि मुरैना के बाद पड़ता है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, मैं आई हुई हूँ एमपी में अपने मायके। तो बस थोड़ा अच्छा फील होने लगता है, आवाज भी चेंज हो जाती है मायके में आते ही। वो क्या बोलते हैं, शेरनी बन जाते हैं, क्यों जानू। हेलो हेलो, ससुराल जा रहे हो? कौन आप? तो क्या पाड़ लोगे? यार ये बंदा इंसल्ट ही करता रहता है यार। और आपको बता दूं, पीछे एक बाइक से लेडी जा रही थी, उसने सेम मेरे जैसा ब्लाउज सिला हुआ था। तो अनिल बोल रहे थे कि मैं गाड़ी रुका के उससे पूछता हूँ कि तुमने हमारी वीडियो देखती हो क्या। नहीं तो पहले बचपन में ऐसे कोई हमारी चीज को देख के बना लेता था ना, तो हम ये कहते देखो दे मेरी चीज दे। हाँ मेरी चीज दे, ये मेरी चीज है, बनाया है। एक दिन लक्ष्य बोल रहा था तुम उस लेडीज से ये कहना शुरू कर देना कि उतारो ये, मैंने देख के बनाया था। नहीं नहीं, एक दिन लक्ष्य बोल रहा था ना कि क्या कहते हैं कि उस लड़के ने, मेरे फ्रेंड ने देखो मेरी ऐसी ड्राइंग बनाई है, इसने क्यों बनाई है, मैंने ये क्या मतलब हुआ, हद हो गई। बचपन में सब करते हैं, लक्ष्य नहीं तुमने भी किया? मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। मम्मी ब्लॉग नहीं बनाती थी, नहीं तो वो भी ये कह रही। अच्छा, मम्मी से मिलवा दूंगी, बात करवा दूंगी, ठीक है। हाँ तो मम्मी भी कह देगी कि हाँ ये हमारी साधना भी ऐसी ही थी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ही बेकार। तो ये है जोरा की त्यागी धर्मशाला, जो कि बहुत टाइम से बन रही है, अभी तक बन नहीं पाई है क्योंकि इसके ठेकेदार और जमादार बहुत तगड़े वाले। पता नहीं यार कब तक बन पाएगी ये। तो चलिए गाइस, हम पहुंच गए मायके। तो देखो ये भावना मिल गई हमें स्टार्टिंग में इसी मकान पे। आए भानू देखो। तो मम्मी और भावना इसी वाले मकान पे मिल गए हैं, और ये खड़ी है हमारी श्यामा जो कि थोड़ी चेंज हो गई है पिछली बार की अपेक्षा। और अभी हम पुराने वाले घर पे पहुंच गए, तो यहाँ पापा आ गए हैं। तो लक्ष्य पापा के पैर छू रहा है और अपना कोई गेम है उसको दिखा रहा है। आ गई ससुराल में। हेलो, कितनी गर्मी है यहाँ? हेलो दोस्तों, देखो मैं अभी श्यामा से मिलने आई हूँ। यहाँ मम्मी श्यामा की सानी करने आई है चारा डालने के लिए। ये मटका को मिस कर रहा है, मटका चला गया है लेकिन ये मटका को मिस कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो आज मैं आई हूँ, आज मेरी बीच वाली दीदी मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो बस वो खड़ी है इधर ही, मम्मी और श्यामा, हम तीनों खड़े हैं। मम्मी चारा डाल रही है श्यामा को। तो अभी हम आ गए इस वाले घर पे, यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत करके, थोड़ा मम्मी आई थी श्यामा को नहलाने के लिए, और लक्ष्य पड़ गया भैया कंप्यूटर के ऊपर। मैं उसको मना कर रही हूँ कि हाथ मत लगाओ। हाँ ये गणेश भगवान, ये मामा की ऑफिस से आई, ऑफिस से आए बेबी। तो अभी ये जो बैंक है ना, ये ट्रांसफर होके आ गई है इनके खुद के मकान में, और ये एसबीआई का कियोस्क है, ग्राहक सेवा केंद्र। तो यहाँ पर जो लोग थोड़े थोड़े बहुत पैसे निकालते हैं वो आते हैं। तो ये जो बैंक आपने देखी है ना, उसमें का ना अभी चाबी नहीं मिल रही है बहुत देर से, तो उसको आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये अभी बनाई है इन लोगों ने, और ये टीन सेट है, ऊपर ऐसे छत करा दिया है, सीलिंग लगवा दी है। और ये गाय पहले वो जहाँ पर ये ऑफिस बनी है उस जगह पे बनती थी, तो इसको यहाँ बांध दिया। गर्मी बहुत है तो इसके लिए पंखा लगा दिया है, और ये इसके लिए ताकि गर्म ज़मीन ना हो तो एक गद्दीदार वो लगा दिया है ताकि ये, और ये अब चारा खा रही है, और ये इसका भूसा भरा रखा है। इसके पानी की व्यवस्था है, अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ ऑफिस है और ये गाय की व्यवस्था है। देखो जब चाबी मिल जाएगी तो मैं आपको ऑफिस से अंदर से दिखा दूंगा। ये एसबीआई का कियोस्क है जोरा में, और ये देखो एक बेचने वाला आ रहा है, और ये कारीगर बेचारे इंतजार कर रहे हैं कब चाबी आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो अब ऑफिस खुल गई है, तो हम उसको देख रहे हैं और भाई साहब हमें बता रहे हैं क्योंकि नई ऑफिस खुली है, जब कोई बाहर से आता है ना तो उसको दिखाते हैं कि कैसी लग रही है, कैसी बनवाई है। तो मैंने कहा ठीक लग रही है, बस उतना ही स्पेस है, दो ग्राहक आ जाएंगे, आप बैठे हो बाकी सब बाहर,
जैसे ही दो ग्राहक निपटेंगे और आ जाएंगे बाकी, तो ये वो ही बता रहे हैं मुझे भैया। और ये लक्ष्य हमेशा इनके पीछे पीछे रहता है, क्योंकि इनको कभी लैपटॉप कभी मोबाइल मिल जाता है इनके मामा से लक्ष्य को, नहीं तो हम तो देते ही नहीं है, क्योंकि हम तो इसको बोलते हैं पढ़ ले थोड़ा बहुत। तो अब छुट्टी में आया तो अब ये अपने मामा को ज्ञान दे रहा है कि मामा आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो यही सब देख रहे हैं हम। तो ये भावना के पापा हैं, जो लोग भावना को जानते होंगे उनको मैं बता दूं, तो भैया का ना पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है कुछ, मतलब उनको दीवार से जैसे मेरी उंगली में लग गई थी ना, तो उनके भी दीवार से ऐसे लग गई थी। तो जब हम आए तो हमने भैया को बोला कि जल्दी से जल्दी प्लास्टर चढ़वाओ वरना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। भैया के में ज्यादा प्रॉब्लम है ना? हाँ, क्योंकि इनका क्रैक नहीं हुआ था पर इनको क्रैक लग रहा था, उनका क्रैक हुआ था उनको क्रैक नहीं लग रहा था, लेकिन पेन बहुत हो रहा था उनको, एक महीने से पेन हो रहा था। प्लास्टर लगवा लो तभी वो सही हो पाएगा। हाँ, तो बस अब भैया मैं सब चीज दिखा रहे थे, अभी हम आ गए हैं घर पे क्योंकि बहुत रात हो गई है, ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता बट थोड़ा थोड़ा मैं बना रही हूँ। तो अनिल यहाँ पे मुझसे क्या बोल रहे हैं पता है, मैं बैठी थी मम्मी अंदर चली गई, तो बोल रहे कि माँ बेटी पता नहीं क्या बातें कर रही थी अकेले में, मैं आया तो चुप हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, मम्मी को उसी टाइम पे काम आ गया था तो मम्मी उठ के चली गई थी। ठीक है, और ये खाना पीना खा के आ गए हैं, मुझे चढ़ा रहे हैं कुछ ना कुछ बोल के, पता है उनको कि मैं इसको चढ़ाऊंगा तो यहाँ पे ये कुछ बोलने वाली नहीं है, वहाँ पे तो बोल लेगी। बोलती हो ना? हाँ बोलती हूँ ना, तो बीवी का फर्ज है बोलना। फर्ज है के कर्ज हम पे? कर्ज डाल लो, फर्ज मान लो, कुछ भी मान लो। तो बस मैं सिर पे पल्ला रखी हुई, ये कह रहे कि असली हाथ में तो तुम अपने मायके में ही आती हो, चुपचाप रहती हो, मुझसे कुछ बोलती नहीं हो। हेलो, ये बंदा खाना खा के आया है अभी। तो सब लोगों का खाना पीना हो चुका है, पापा अंदर बैठक में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अनिल मम्मी भैया और मैं बैठी हुई हूँ। और देखो मैंने तो आई हूँ तब से शकल भी नहीं देखी, अपनी हालत देख लो आप क्या हो रहा है। सिर पे चुन्नी मैं इसलिए डाली हूँ कि भैया के सामने थोड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं, थोड़ा मतलब ऐसे सामने नहीं आते, इसलिए पहले तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, बहुत पर्दा करते थे, अभी इतना हो गया कि सामने बैठ के नहीं बैठ के बातें कर लेते हैं, लेकिन सिर पे तो रखना पड़ता है। तो सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, और हमारी गली में दो तीन मकान बन रहे हैं तो उसमें गिट्टी रेत सीमेंट ये सारी चीजें डली हुई हैं, तो सुबह हमें उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। तो अनिल गाड़ी बैक कर रहे हैं, अभी हो रहा है रात का समय और हम आए हैं इस वाले घर पे, मम्मी श्यामा को अंदर बांधने के लिए आई है, बाहर थी तो मम्मी उसको थोड़ा नहला रही है। और लक्ष्य की चेयर देख लो आप, लक्ष्य की चेयर, ये लड़का आया है तब से लैपटॉप कंप्यूटर फोन इसी में लगा हुआ है। ये मेरे भाई का बेटा ललित, जो कि पहले बहुत शैतान था लेकिन अभी बहुत समझदार हो गया है। और भावना के रिएक्शन, भैया की तारीफ करने पे भावना के रिएक्शन। और लक्ष्य को किसी की नहीं पड़ी, लक्ष्य अपने लगा है कंप्यूटर में। और हमारी श्यामा थोड़ी ठंडी ठंडी हो रही है, हाँ नहा रही है वो, कैसे कंडे से हट। हमारे यहाँ लक्ष्य नाम के लड़के को नहलाया जाता है गोबर से। तो हम आए थे इस वाले घर, तो अनिल है ये और ये है लक्ष्य अपने पापा। लक्ष्य ये साधना, ये अनिल बकवास क्यों कर रहे, ये हेलीकॉप्टर और ये शेर। तो उनको दिख ही रहा है क्या है वो? ताला आप लगाओगे। निकलो, चलो ठीक है, हम निकल रहे हैं, हम उस वाले घर पे जा रहे हैं, भैया वेट कर रहा है, भैया के फोन पे फोन आ रहे हैं, तो चलिए हम चलते ही लगा रहे हैं लॉक। और लक्ष्य और मेरे भाई का बेटा चला गया है और हम भी जा रहे हैं, भैया के फोन पे फोन आ रहे थे। और ये हमारी गली में पता नहीं क्यों गाय बहुत ज्यादा रहती हैं। हाँ, सुबह हम लोग निकल जाएंगे, देखो कहाँ के लिए जाते हैं। तो सारे लोग सो चुके हैं, मैं फोन चला रही थी, एडिटिंग कर रही थी एक्चुअली, तो बस मैंने देखा अंदर भावना अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने उसको बिना देखे उसको पता नहीं वीडियो बनाई, तो बाद में हाय बोल रही थी। लक्ष्य भी सो गया है क्योंकि मैंने उसको जबरदस्ती सुला दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था वो। अनिल भी सो गए हैं और अभी सुबह का समय हो गया है, मैं छत पे आई थी, आप लोग देख सकते हो। आज मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आई, होता है कभी कभी जब आप आते हो तब नींद नहीं आती है, तो बस सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैं छत पे आई थी, तो आप लोग नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा है। और सुबह सुबह मम्मी जल्दी उठ जाती हैं, तो यहाँ मम्मी इस वाले घर लाई थी
श्यामा को नहलाने के लिए। और अभी लक्ष्य हो गया है तैयार, क्योंकि मम्मी लक्ष्य भावना ये सारे लोग कहीं जा रहे हैं। मेरा भी प्लान था बट मेरा कैंसिल हो गया, मैं भाभी भैया नहीं जा रहे। तो बस भावना इधर तैयार हो रही है, उसने हेयर वॉश किया हुआ है, लक्ष्य एकदम तैयार हो गया कुर्ते वुर्ते पहन के। और भाई जनाब तो नहा धो लिए हैं और सुबह का भी शायद 6 बज रहा होगा, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो बस अनिल निकल रहे हैं, तो मैं उनसे बोल रही थी अच्छे से जाना, कॉल कर देना, मुझे टेंशन लगी रहती है पता नहीं क्यों। तो टेंशन लेने की क्या बात है, जाएंगे और आ जाएंगे। बट फिर भी मैं उनसे बोल रही थी आराम से गाड़ी चलाना, तो ये लोग जा रहे, मेरा भी मन कर रहा है मैं भी जाऊं, बट मैं नहीं जा सकती इसलिए मैं नहीं गई। और मैंने इनसे बोल दिया कि कॉल कर देना, बस अभी लग जाएंगे एक काम पे। बस हम 3 लोग ही बचे हुए हैं, भाभी मैं, 4 लोग, भाभी मैं, भाभी का बेटा भैया। तो बस आके कल हम आए थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे रास्ते के और बहुत पसीना आता है ना तो स्मेल आती है, इस वजह से मैं सारे मशीन में लगा दिए। भाभी ने बोला कि मशीन ही लगा दो, हाथ से कहाँ तक धुलोगे। तो बस भाभी कर रही है काम किचन में, और ये भाभी ने गला के रख दिए कुछ कपड़े यहाँ पे। वन गुड मॉर्निंग, तो मैं हूँ मायके में, नहा धो ली हूँ, 7:30 बज रहा है। बस मैंने झाड़ू वाड़ू लगवा दिया था भाभी के साथ में, तो बस झाड़ू पोछा हो गया है, नाश्ता पानी हो गया है। बस अभी भाभी खाने की तैयारी करेंगे, पहले नहाएंगे। और मैंने मशीन लगा दी थी तो कपड़े, क्योंकि कल के रास्ते के सारे कपड़े थे तो बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा देती हूँ। भाभी ने बोला मशीन में वॉश कर लेना, तो बस मैंने मशीन लगा दी है तो कपड़े बस मेरे धुलने ही वाले हैं। और भाभी भी किचन में कुछ काम कर रही है, और ये सारे लोग चले गए हैं मैया पे, मैं नहीं गई हूँ, थोड़ी तबीयत भी खराब सी थी तो मैंने सोचा कि आप लोग भी चले जाओ। बस थोड़ा आराम करते हैं, और आज बन रही है हमारे यहाँ लौकी की सब्जी, भाभी ने कट कर ली है लेकिन फिर भाभी बनाएंगे। और आज मैंने कुर्ती वेयर की हुई थी बट कुर्ती मेरे को टाइट हो गई, शायद मैं मोटी हो गई, तो अभी मैंने सूट वेयर कर लिया है। मैं फ़ोन लगा के पूछ लेती हूँ वो लोग पहुँच गए कि नहीं पहुँचे, तो वो निकले थे तब हमारा कुछ भी नहीं हुआ था, झाड़ू पोछा वगैरह उनके निकलती, बस मैंने झाड़ू लगाया, भाभी ने पोछा लगाया, और बस मैंने कपड़े वॉश करने लगा दिए, सारा काम झटपट से हो गया, जब एक साथ करते हैं तो जल्दी से हो जाता है ना। और श्यामा भी नहा ली, धो ली है, सब नहा ली है, पापा नहाना बाकी है, मेरे भाई का बेटा भी नहा रहा है, और सारे काम से फ्री हो गए हम लोग। और आज मेरी देखो मैंने कैसे कलर की नेल लगाई, ये ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा डार्क रेड होते हैं ना वो वाला कलर है। मार्केट जाने की सोच रही थी, शायद कल जाऊंगी या फिर शाम में जाऊंगी। भावना की कोचिंग रहती है 3 से 7 तक, तो वो तो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती है। तो अभी मैं बैठी हूँ इधर इस वाले रूम में, सामने मेरे पूजा का मंदिर है। अभी आई हुई हूँ मैं छत पर कपड़े डालने के लिए, धूप हो रखी है, सुबह का 7:30 बज रहा है, 8 बज गया शायद, लेकिन कितनी तेज धूप हो रखी है, बहुत ज्यादा। चलिए हम नीचे चलते हैं, और लक्ष्य की याद आ रही है मुझे, बेचारा बच्चा, लेकिन वो बहुत खुश था। तो अभी हो रहा है शाम का समय, ये लोग तभी आ गए थे दोपहर में ही, और मेरा क्या है कि मैं वीडियो शूट नहीं करनी हूँ ज्यादा, बस डरी रहती हूँ, बहुत आलस आता है मायके में इसलिए। तो यहाँ पे अनिल मुझे चढ़ा रहे हैं, और ये शाम का समय, चाय का समय हो रहा है, मेरे पीछे मेरी भाभी बैठी हुई है, वो दिख नहीं रही है आप लोगों को, और आप देख सकते हो इनकी चेहरे की खुशी, ये वो खुशी है जो मायके में आके हर किसी को होती है, हमें वहाँ होती है तो इनको सहा नहीं जाता है वो खुशी कि आप बहुत खुश हो रहे हो, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, फलाना ढमकाना, तो ये देखो अलग ही खुशी है, देखो देखो 32 या 36 दिख रहे हैं आज तो। बकवास नहीं, ऐसा भी होता है यार, मतलब ये मुझे चढ़ा रहे थे तो मैं बोल रही थी कि मेरे से ज्यादा स्वागत तो आप लोगों का होता है, तो भाभी मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी बोलो ना, तो वो लोग तो वही दामाद की साड़ी लेंगी, मेरी साड़ी थोड़ी लेंगी। तो चलिए फिर आज इस ब्लॉग की हम यहीं पे एंडिंग कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।